भैया वो तो पाला है, नानी ने ही हमको बड़ा किया है, यहीं पर हमारा जन्म हुआ था ना नानी। बच्चा खबर नहीं रखा, हम ठीक हैं नानी, हमें टेंशन न करो। 7 महीना हुई हम पौड़ी है इन बार पर भैया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसपी कपल ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। और आप लोग देखें पिछली वीडियो हमारी, बहराइच स्टेशन तक आए, आप लोगों को दिखाए थे। और अभी हम आ गए हैं अपने बहन के घर पर, देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसा लोकेशन है यहाँ का। पहले भी दिखा चुके हैं अपने बहन का घर, जो है छोटी बहन है और कित्तू भी इस तरफ साथ में लेके आए हैं, बैठा है, हिल रहा है, इसको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रास्ते में। चलिए, अरे किट्टू वहाँ मत जाओ खाने के लिए। सब दोनों मेरे भांजे आए हैं, सभी को हाय करो, हाय करो, करो रुबल, रुबल हाय करो, देख लीजिए शर्मा रहा है। चलिए फिर, अभी हम लोग जस्ट पहुँचे ही हैं और बज रहे हैं 10, है ना? सौरभ कहाँ जा रहे हैं? सोनी जी अंदर गई हैं। चलिए फिर, अभी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, देखिएगा हम लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। आज पहला दिन है तो पहला दिन हम लोग क्या करेंगे आप लोग को दिखाएंगे। मैक्रोनी और मैगी, सोनी जी उस तरफ चाय पी रही हैं, ये बहुत तेजी से भूख लग गई है। हम लोग खा पी के नहीं आए थे, सिर्फ चाय पिए थे, है ना? चाय पी पी के भाग लिए थे, आप चाय पी रहे हैं सोनी जी। चलिए चाय पी के हम लोग मिलते हैं आप अभी से, है ना? बैठ के पियो चाय, बैठ के। ये जमीनी वाली जमीनी पे आ गई है, जमीन पर बैठ के चाय पियेंगे। देहात का सीन बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी छोटी बहन है। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं हम लोग ये सब खत्म करके, है ना सोनी जी? तुलसी पे आ गई। तो हो गया है 1 घंटा आए हुए और खाना खाते हैं। ये सोनी जी खाना लेके आ गई हैं, बैठते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद जाएंगे नानी के घर, नानी से मुलाकात करने, नानी को देखने। बहुत दिन से याद आ रही थी नानी जी और बहुत दिन हो गया है। सोनी जी भी फर्स्ट टाइम जाएंगी नानी को देखने और हम भी लगभग 7-8 साल हो गया है नहीं गए हैं, इसलिए आज आए हैं कि पहले नानी के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, देखेंगे। फर्स्ट टाइम ये भी जा रही हैं, तो आप सभी को भी दिखाएंगे अपनी नानी जी को कैसी हैं अभी हमारी नानी जी। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, इसका खाना आ गया है, खाने जा रहे हैं। और इस तरफ मेरा भी और लाडो का भी आ गया है। चलिए लाडो खाइए जल्दी से, किट्टू बोल रहे वो बैठे वो। हाँ यहाँ किट्टू बहुत है, लाडो देख लीजिए पानी दे रही सभी को, जा रहे हैं खाना खाने और लाडो भी है, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ, है ना लाडो? लाडो खिला रही है आप लोगों को प्यार से, इस तरफ सब खा रहे हैं और हम भी खाने जा रहे हैं। चलिए फिर खा लेते हैं, जैकेट वॉकेट पहन लिए, उस तरफ से ठंडी लगेगी, है ना? रेडी हो गए हैं और इनकी मम्मी क्या कर रही है, चलो आओ निकलो फटाफट, हो गया आओ जल्दी। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर है, 5 या 6 किलोमीटर है यहाँ से दूरी, वहाँ जाएंगे हम नानी के घर, नानी के घर तो वहीं पर आप लोग को नानी जी को दिखाएंगे। चलिए फिर वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और पेरेंट्स जाएंगे नहीं, पेरेंट्स यहीं रहेंगे घर में, और बच्चे हैं दो भांजे वो भी यहीं रहेंगे, और कोई है नहीं, तीनों बच्चे यहीं पर रहेंगे। और यहाँ पर साग सब्जी लगा है, बकरी आ जाती हैं खा जाती हैं, सारा चर जाती हैं, इसलिए। तो ये है रुपैडिया बॉर्डर, जो नेपाल बॉर्डर है,
ये सारे पीछे आदमी जो है ये सब नेपाल से आ रहे हैं, कितने सारे हैं देख सकते हैं। इंडिया में आते हैं नेपाल से, कपड़ा और घर का जो भी सामान होता है सब लेने आते हैं। और सोनी जी इस तरफ चल रहे हैं, देखिए पैदल चल रही है। गाड़ी बुक करा दे तुम्हारे लिए। तो चलिए फिर हम लोग बाजार में आ गए हैं घर से और पैदल चल रहे हैं। रुपैडिया मार्केट में है, यहाँ से जाएंगे हम लोग, रिक्शा करेंगे, रिक्शे से फिर जाएंगे आगे। तो हम आ गए हैं अपनी नानी के घर और ये हमारी नानी जी हैं, देख सकते हैं। नहीं, नानी जी को मिस कर रहे थे, आप सभी को भी दिखाना चाहते थे, दिखा दिए हैं। और हमारी नानी देख लीजिए भैया, वो तो पाला है। नानी ने ही हमको बड़ा किया है, यहीं पर हमारा जन्म हुआ था ना नानी। नानी ने हमको यहीं पर इतना बड़ा किया था, हम आज ऐसे हैं। नानी की यादें हम कैमरे में कैद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन से मिस कर रहे थे। आज हम आए हैं नानी जी के पास, इसी वीडियो को हम रखेंगे अपने लिए और ये वीडियो लाइफ टाइम के लिए रहेगी, अभी भी हम देख सकते हैं नानी को अपने। है नानी, बच्चा खमरे नहीं मिल रहा, हम ठीक हैं नानी, हमें टेंशन ना करो। 7 महीना हुई हम पौड़ी आई, दोबारा पढ़ाई अंतर। तो नानी आप इतना बड़ा किए हो हमको, हम खुश हैं आपकी दुआ से, अच्छे से रहते हैं खाते हैं और एक ना एक दिन आप सभी का नाम भी रोशन करेंगे, आप लोग का सपोर्ट रहेगा। तो बच्चन कहें जिंदा रखो, कुछ नहीं होगा नानी, आप खुश रहो जब तक हो, जब तक ऐसे ही। और सोनी जी गई हैं अंदर, सभी लोग अंदर बैठे हुए हैं और हम नानी बच्चे हुए हैं। आए हुए हो गया हमको लगभग 1 घंटा, वीडियो नहीं शूट किए थे, अभी शूट कर रहे हैं। सब लोग चले गए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं ना, तो सब लोग देखने आ गए थे कि वो कौन है कौन है। बहुत लोग तो पहचानते नहीं हैं, हम भी नहीं पहचान पाते हैं बहुत लोगों को, मगर नानी को पहचानते हैं, अपनी नानी नानी को ऐसे ही जब भी आते हैं हम तुरंत पहचान जाते हैं, नानी भी पहचान जाती है हमको। चलिए दोस्तों, आप लोग को दिखा दिए, हम भी मिल लिए हैं नानी जी से अपने, बहुत नानी को मिस कर रहे थे, बहुत दिन से सोच रहे थे कि कब जाएँ नानी जी के पास, नानी जी को देखने। मगर हमने इस बार सोच कर आए थे कि जाते ही पहले नानी से मुलाकात करेंगे, देखेंगे, उसके बाद कुछ होगा यहाँ का कार्यक्रम। तो नानी से मिल लिए, बहुत दिल को तसल्ली मिली, बहुत दिन से सोच रहे थे। और इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं, इस वीडियो को हम रखेंगे अपने लिए, अमर रहो, ये वीडियो बहुत दिन तक रहेगी, इसीलिए वीडियो को बना कर रख रहे हैं, यादें कैमरे में कैद करने। चलिए फिर सोनी भी आती हैं तो दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को इन करते हैं। चलिए नानी खुश रहिएगा ऐसे ही, टेंशन ना करो नानी, कुछ आराम से जब तक हो, जब तक खाओ पियो बस, और काम तो सब लोग करते रहेंगे, अपन अपना काम तो करते रहेंगे। यहाँ सोनी जी आ गई है, अंदर से बाहर बैठी नानी जी के पास। पहली बार आई है सोनी से नानी जी से मिलने, फोटो वीडियो सब रखे रहे भाई का, 10 साल बाद 20 साल बाद देखब, हाँ जब तक रही वीडियो फोटो, हाँ तुम्हारे फोटो वीडियो सब रखे रहे भाई, गायब ना हुई है ना लाडो, मोबाइल में ही है, तो अपने भैया के पोता के मोबाइल में देखो ही है। तो हम लोग आ गए हैं फिर से वही जगह, फिर से वही घर पे बहन के यहाँ,
और नानी जी से मिल आए हैं। नानी जी से लगभग मिले थे 7 साल पहले। 7 साल के बाद आज हम गए थे नानी जी के पास मिलने, बहुत याद आ रही थी इसलिए हम पहले नानी जी से मिले हैं। और लाडो को भी मिला लाए हैं, सोनी जी को भी नानी जी देख ली है, पहली बार देखी है नानी जी। लाडो तो पहली बार लाडो भी देखी है। हाँ, नानी बहुत रोने लगती हैं जब जाओ। हाँ, रो रही थी। हम रोने वाला वीडियो नहीं बनाए हैं, रोने लगती थी। बताइए, ज्यादा दिन के बाद देखा थी ना तो कुछ ज्यादा मुहाई लगा थी। 100 साल लगभग उनका कंप्लीट हो गया है, 100 साल की हो गई है हमारी नानी जी। अभी 2-4 साल और जिए हैं। हाँ, आप लोग दुआ कीजिएगा। कैसी लगी हमारी लक्ष्मी नानी, आप लोग बताइएगा कमेंट में। और नानी जी के नाती नतकुर बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी फैमिली उनकी, हम लोग की फैमिली। कहते नहीं है जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली में नानी जी रहती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा पोती पोती पोता के पोती बहुत सारा फैमिली है। नानी जी हमारी अभी हैं आप लोग की दुआ से। चलिए फिर आप लोग कमेंट्स में अपना कीमती कीमती समय दीजिएगा, कुछ लिखिएगा हमारी नानी के बारे में और हमारी फैमिली के बारे में। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को तो आप लोग बताइएगा। हम लोग देख सकते हैं इस तरफ है बस स्टेशन रुपैढ़िया, यहाँ पर आ गए हैं घूमते 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 पैदल वहाँ से आए हैं बाजार से। और इस तरफ है स्टेशन नेपालगंज रोड का, रुपैढ़िया का स्टेशन है। और हम लोग जा रहे हैं घर। हाँ, चलिए फिर वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ जाएंगे तो आएगी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को दिखाएंगे। और फिर मिलते हैं आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय 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 बाय।